पॉलिसीमेकर जो है और एडमिनिस्ट्रेटर हो, ये तीनों मिल जाएंगे तो एक गोल्डन ट्रायंगल बनेगा। हम एक चीज कहना चाहते हैं, आज मानवता हॉल में बैठे हुए जितने भी हमारे जनसभा के सुप्रीम सभा जिसको पीएम ने कहा चुका है, एक आप हैं, एक विधानसभा में बैठे हुए हैं, एक लोकसभा में बैठने वाले हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और चिंता की विषय का यही है कि चैरिटी ऐसा श्रम हो। मैं बनारस से इलेक्शन लड़ा और दो आदमी है, एक सीएम है और एक पीएम है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर चाहते हैं आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के इंप्लीमेंटेशन को, उस आदेश को लागू किया जाए, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, थोड़ा परेशानी होगी। परेशानी यह है कि मावलंकर हॉल में बैठे हुए जितने भी हमारे भारतीय नागरिक हैं, वो आज ही निर्णय करें कि सबसे पहले वो इंप्लीमेंट करें इस पॉलिसी को। अगर इस आदेश को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हम 14 नवंबर को दिल्ली के 772 वालों को फोर्स करेंगे कि आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद पीएम और उनके साथ जो बैठे हुए लोकसभा में। तो यही ट्रायंगल है, आज यही निर्णय हो कि आप शुरू कर दें और उसके बाद एक महीने के अंदर में दिल्ली के जितने भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सबसे पहले उनके बेटे बेटियों को कहा जाए कि आप सरकारी स्कूल में दाखिला लें। जय हिंद, जय भारत।